तो आज के नाश्ते में मैंने बनाई है वेज चीज़ फ्रैंकी, जिसे कि मैंने रोल ना करते हुए ऐसे ट्रायंगल में बनाया है। और ये रही अदरक वाली चाय, बहुत दिनों के बाद पी रही हूँ, लेकिन इसमें से आधी चंदन पीने वाले और आधी मैं। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं आज बनाने वाली हूँ ग्रीन चिकन। तो उसके लिए बहुत सारा धनिया लगने वाला है हमें, और लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, और कुछ होल स्पाइसेस जाएंगे। तो पहले मैं ये सब चीज़ें जो है उसे अच्छे से पीस लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें चाहिए 2 प्याज और 2 टमाटर, और जो चिकन है वो हमने अच्छे से वॉश करके लिया है। यहाँ पे मैंने अभी पैन ले लिया है, अच्छे से गरम कर लेना है और उसमें डालना है ऑयल। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल का यूज़ किया है, इससे भी कम ही है, 2 बड़े चम्मच रहेंगे। और ये है होल स्पाइसेस, तो अब घर में यहाँ पे जो अवेलेबल है ना मैं वो ही डाल रही हूँ, अदरवाइज यहाँ पे तेज पत्ता भी ऐड होना चाहिए था। ये थोड़ा सा मतलब रोस्ट हो जाए ऑयल में, इसके बाद फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। एक साइड में मैं प्याज ऐड कर देती हूँ। इसे सौते कर लेना है हमें। अब प्याज को हमें पूरा गोल्डन ब्राउन कर लेना है, फिर उसके बाद ही इसमें मसाले पड़ेंगे। लेकिन पहले मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर देती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि प्याज जल्दी भूनने में हेल्प होगा। ये मैं सॉल्ट ऐड कर दी। अब जैसे सॉल्ट ऐड कर दिया है ना, तो जल्दी जल्दी ये भूनने में मदद होगा, जल्दी हमारे प्याज ब्राउन होने लग जाएंगे। अब बारी आती है हमने जो ग्रीन पेस्ट बनाया था ना वो ऐड करने की। तो 3 बड़े चम्मच वो पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो प्याज और ये मसाला अच्छे से भून जाए तो उसके अंदर हम हल्दी ऐड कर देंगे, और फिर से एक बार इसे भून लेना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन जो अच्छे से हमने धो लिया था। आप चाहो तो इसे हल्दी नमक लगा के मैरिनेट करके भी रख सकते हो, या अदरक लहसुन का पेस्ट, दही लगा लो, लेमन लगा लो। तो अभी कुछ ज़्यादा घाई थी मुझे बनाने के लिए, तो इसकी वजह से मैंने विदाउट मैरिनेशन ही इसका यूज़ किया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। तो चाहो तो आप चिकन डालने से पहले टमाटर ऐड करो या फिर उसके बाद। तो अब मैं चिकन डालने के बाद 5 मिनट के बाद मैं टमाटो ऐड कर रही हूँ। आप प्याज के बाद भी टमाटो ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से हमें अच्छे से चिकन भून लेना है विथ मसाला, और इसके बाद फिर इसके अंदर जैसे ग्रेवी चाहिए या थिक चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप गर्म पानी ऐड कर देना। तो मैंने तो ये सूखा चिकन बनाया था, तो इसके अंदर अभी मैंने ऑलमोस्ट 1 ग्लास पानी ऐड किया है, क्योंकि चिकन अच्छा सॉफ्ट पकना चाहिए इसीलिए। तो इसे पकने के लिए ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट लगने वाला है, क्योंकि इसे मैं पूरा ड्राई करके लेने वाली हूँ। तो आज के नाश्ते में है म्यूसली, उसके साथ एप्पल और दूध। तो ये खा लेती हूँ और थोड़ा टाइम रेस्ट करके फिर वॉक पे जाऊँगी, क्योंकि खाते ही मैं वॉक पे नहीं जाती हूँ। तो मॉर्निंग वॉक ख़त्म हुआ है मेरा और अब मैं घर जा रही हूँ। तो आज घर पे प्याज छोड़ के कोई भी सब्जी नहीं थी, तो इसके लिए मैं बना रही हूँ प्याज के पराठे। और जल्दी ही मार्केट जाना पड़ेगा और पूरी ग्रॉसरी लेके आनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट वीकेंड जैसे आ जाता है ना, तो घर पे जो भी सामान है वो ख़त्म होने लगता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो मंथली जो राशन है वो भर के रखा है, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें रहती है जैसे कि सब्जियाँ, दूध, अंडा, ब्रेड, ये सब लाने जाना ही पड़ता है हफ्ते में एक बार, तो मतलब विजिट होती ही होती है। तो आज मैं सिंपल से प्याज के पराठे बना रही हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरे रेडी हो चुके हैं, ये 4 पराठे मैंने आज के लंच के लिए प्रिपेयर किए हैं। तो अब हो चुका है लंच, और लंच में बने थे प्याज वाले पराठे। तो चंदन भी जस्ट घर पे आए और अभी उनका फिर से जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि लंच के बाद वो तुरंत ही 15 मिनट्स में चले जाते हैं कॉलेज में। और हम दोनों अभी पी रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि आज मुझे वॉक पे जाने के लिए बहुत लेट हुआ, फिर घर पे आने के लिए लेट हुआ, तो उसकी वजह से लंच ज़्यादा लेट ना हो इसलिए कॉफ़ी मैंने स्किप कर दी। तो अभी हम दोनों कॉफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। आज हम थोड़ा सा लेट वॉक के लिए आए हैं ऐसे ही खाना खाने के बाद। कितने बजे चंदन? कितना? 9:15 हुआ है रात का, और देखो अभी तक सूरज है। सो बाबा सो, हमको भी सोने दो। ये ऐसे वाली ठंडक है ना अभी इस टाइम पे मिल रही है शाम के वक्त, अदरवाइज धूप ही धूप है यहाँ पे। और यहाँ पे है फ्लोरिडा चिकन एंड पिज़्ज़ा,
दो होटल है साइड में हमारे नज़दीकी, लेकिन खाने का मौका नहीं मिला अभी तक। और यहाँ पे फिश एंड चिप्स मिलता है, और यहीं पे पार्लर भी है ये साइड। हाँ, ये हालो हालो ब्यूटी सैलून, लेकिन नहीं जाऊँगी अभी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब जाएंगे। तो रास्ता क्रॉस कर लिया है और अब आ गए हमारे रेगुलर रास्ते पे वॉक के लिए। तो यहाँ पे स्पार करके पास ही में एक शॉप है, जैसे कि हमारे पास रहती है ना चॉकलेट ये वो सब लाने के लिए नज़दीक कोई ग्रॉसरी शॉप, सब मिलता है। आई थिंक रेडी टू ईट मील भी बहुत मिलते हैं। हम सिर्फ दो बार, मैं सिर्फ एक ही बार गई थी। मैं शूज़ नहीं पहन के आई हूँ, स्लीपर्स डाले हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं चलने वाली हूँ मैं, फिर जस्ट 15 मिनट्स बस। तो यहाँ पे ना हर किसी के घर के बाहर डस्टबिन होता है, तो हमें यहाँ पे एक मंडे छोड़ के दूसरे मंडे पे यहाँ पे गार्बेज कलेक्ट करने के लिए आते हैं। तब तक बाहर जो डस्टबिन है उसी में हमें जो भी हमारा कूड़ा है वो रखना है, ऐसे यहाँ का रूल है। ये रास्ते से अच्छा है ना वो साइड का जो रास्ता है ना, वहाँ पे बहुत अच्छे घर है और उन्होंने गार्डनिंग भी बहुत अच्छी की है। और ये जो शेल का पेट्रोल पंप है ना, उसके आगे जाओ तो उधर उन्होंने भी बहुत मस्त गार्डनिंग की है, रोजेस भी बहुत अच्छे हैं। ये देखो चेरी का पेड़ है, और कितनी ज़्यादा चेरी आई है। रुको एक मिनट, मेरे को शूट करना है, इतना क्लियर नहीं आ रहा है लेकिन है बहुत लाई है इसको, बड़ा पेड़ है ना ये, कुछ कुछ पकी है, रेड रेड हुई है, सब नहीं पके लेकिन देखो हाथ को लगेंगे वैसे भी है, लेकिन इसे तोड़ नहीं सकते ना। काय मस्त ना यांचे, मजा है रे। मैं, मेरा घर ऐसा होगा ना, मैं भी बाहर बहुत फलों के झाड़ लगाऊंगी, आंबा पपई कलिंगड लावेल पेरू चिक्कू चेरी भी लगाऊंगी और लीची लगाऊंगी, लीची भी मेरा फेवरेट है। अरे अपने को इतना दूर नहीं जाना है, ऐसे जाएंगे ठीक है चलो। तो पहले बोलते चप्पल नहीं पहनते, चप्पल में ज़्यादा वॉक नहीं जमते अपने, 1 किलोमीटर है थोड़ा, मतलब उससे भी ज़्यादा 1.5। क्या ही नज़ारा है, बढ़िया। हम ना फिर एक बार और लेक में जाएंगे, लेकिन फुर्सत में जाएंगे, ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। चले यहाँ पे ना यार जल्दी नहीं रात होती है, अंधेरा नहीं जल्दी होता है रात, मतलब रात तो क्या होनी है टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन अंधेरा नहीं जल्दी होता है। अभी चेरी का पेड़ है और इसको देखो कितने मस्त चेरी आए हैं, है ना, अभी तक पके नहीं है लेकिन पक जाएंगे ये देखो, बट ना याला कीड़ लग ली है मला असं वाटतं। कोई कोई लोग ना बहुत अच्छा केयर करते अपने पेड़ों पौधों का, लेकिन सब नहीं है ऐसे। वहाँ पे तो दो बार मैं वॉक पे गई ना, रोज पूरे सूखने लग गए थे, पत्ते सूखने लग गए थे, मतलब उनको पानी नहीं डाला होगा बहुत दिनों से। ऐसे नहीं करना चाहिए ना, अगर लगा रहे हो आप तो फिर पानी डालो ना, उनको क्यों मार रहे हो बाबा, और नहीं हो रहा है तो मत लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, मैनेज नहीं हो रहा है तो। अच्छा घर है ना, वेल मेंटेन बाहर से तो है, अंदर से पता नहीं, चलो जाके चेक करके आते कैसे है अंदर से, मेंटेन है क्या नहीं है। ये भी चेरी है, मेरे को ना पता चल गया अभी कौन सा झाड़ किस चीज़ का है। हम मॉल गए थे ना, मॉल के, मॉल मतलब जो हसदा हसदा के बाहर पेड़ पौधे हैं ना, छोटे छोटे पेड़, पेड़ नहीं बोल सकते पौधे, तो मैंने उनके पत्ते अच्छे से देख लिए कौन सा पौधा किस चीज़ का है,
फ्रूट का है। और फिर आने के बाद वॉक पे जब भी जाती हूँ ना तो चेक करती हूँ कि जो मैंने देखा था ना पत्ता, तो चेरी का झाड़ मैंने ऐसे ही पहचाना है। और ब्लूबेरी का भी ढूंढ लिया है मैंने, वो उस साइड है तुम्हारे कॉलेज के अपोजिट। रसबेरी एक बाकी है ढूंढना, और ये वाला जे आपल्याकडे तुतू असतात ना, तुती तुती तुतू तुती काय बोलतात, नाही ते रसबेरी ते वाले ते मलबेरी जे आपल्याला महाबळेश्वर मध्ये खूप इझिली मिळून जातात ते पण इथे आहेत। ब्लूबेरी वेगळे, ब्लूबेरी पण मी शोधायच्यात, शायद वो ब्लूबेरी भी ढूंढाय मैंने, आए है उधर छोटे छोटे फ्रूट्स, वो किसी का नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है वो किसी की, ऐसे रास्ते पे जा रहे वो। ये साइड भी देखो कितना अच्छा है ना, नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज देखती हूँ ना मैं, मुझे वो सीरीज की याद आती है, स्ट्रेंजर थिंग्स में ऐसे बहुत है रास्ते घर। चलो बाबा अभी फोन रख देती हूँ, हाथ दुखने लगा मेरा, बाद में मिलती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ उत्तप्पा, तो उसके लिए मैंने बैटर और ये इसमें मैंने ऐड कर लिया है, और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ये प्याज और टमाटर और मिर्ची का थोड़ा सा हल्का सा टॉपिंग। और अब हमें क्या करना है, साइड में थोड़ा सा तेल छोड़ना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी यहाँ पे हल्का सा ऑयल निकाल लूँगी और ये चारों तरफ डाल के बचा हुआ थोड़ा सा ऊपर, और इसे ढक के पका लेंगे। इतना अच्छा हुआ है ना, और इसे तो यहाँ पे मैंने टोमेटो उत्तप्पा बनाया है, एक बार ये थोड़ा सा पक जाए फिर हम इसे पलट देंगे। आज के लंच की स्टोरी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि रात को क्या हुआ, चंदन ने ये मटर की सब्जी बनाई थी, उन्हें मतलब उनका बहुत मन कर रहा था कि मैं आज मटर की सब्जी बनाऊंगा, और वो भी मेरे स्टाइल से, और बना तो दी लेकिन इतनी पतली कि ये जो मैंने अभी इसमें सांभर मसाला ऐड करके जस्ट मतलब बॉईल कर लिया है, तो थोड़ा सा मतलब उसका पतलापन कम हो गया, लेकिन स्टिल ये देखो कितनी पानी जैसी सब्जी बना के रखी थी। तो अभी इसमें सांभर मसाला ऐड करके ये एज अ सांभर के जैसे, लेकिन मैं सच बोलूँ ये इतना टेस्टी लग रहा है ना, मतलब सांभर को भी पीछे छोड़ दिया इसने, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। और मैंने खाने में उत्तप्पा बनाए हैं आज प्याज टमाटर और हरी मिर्च डाल के, तो बहुत टेस्टी है आज का लंच, एकदम सिंपल सा है लेकिन बहुत टेस्टी है। और सांभर के लिए चंदन को फिर से एक बार थैंक यू, क्योंकि अगर उनसे ये पतली सब्जी नहीं बन पाती तो इसका सांभर भी नहीं बनता। तो चलिए खाना खा लेती हूँ। हेलो हाय, तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं, एज़ यूजुअल हम जा रहे हैं अजदा, क्योंकि जो हफ्ते का जो भी ग्रॉसरी है वो हमें परचेस करना है वहाँ से, इसीलिए तो अभी आज हम वॉक करके नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि मेरे को सच में वॉक करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो आज में हम जाएंगे बस से और आएंगे भी बस से। तो चलिए व्लॉग पे बने रहिए। तो अभी हमें रास्ता क्रॉस करना है, तो यहाँ पे बटन रहता है तो वो प्रेस करने का, जब नीचे वाला साइन ग्रीन हो जाएगा ना तब हमें रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा, तो यहाँ से इतना ही रास्ता क्रॉस करना है, लेकिन फिर भी ये रूल है यहाँ पे तो वो फॉलो करना चाहिए। बस बना ली, बस भी आ गई ना, झाला ग्रीन, हाँ दिखाने तो दो, हाँ देखो ऐसे ग्रीन होता है। बस भी आ गई है हमारी बस स्टॉप पे, फ्लीटवुड फेरी 14। तो ये मैंने टिकट्स हमारे निकाल लिए हैं, तो जैसे ही हम बस में चढ़ते हैं ना तो ड्राइवर से ही हमें हमारा ये टिकट वहाँ से परचेस करना पड़ता है। चहल पहल पर ऑर्डर कितनी है, आज फ्राइडे, आज बहुत लोग दिखेंगे, मुझे बहुत जन कंप्लेंट करते कि कोई रास्ते पे दिखता ही नहीं है, कोई है भी या नहीं यहाँ पे रहने वाला, तो देखो भाई लोग, भाई और बहनों, सैटरडे संडे और फ्राइडे नाइट, संडे की नाइट पे कोई नहीं दिखेगा, दोपहर के बाद संडे में ये लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकलते, लेकिन फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट में या सैटरडे फुल डे ये लोग जैसे बाहर निकलते हैं ना, जैसे कोई मेला है, इतनी ज़्यादा रश देखो कार्स,
क्योंकि बार्गेन बूज है यहाँ पे, सब दारू वारू मिलती है तो बहुत गर्दी रहती है। स्वैग अलग है भाई इन लोगों का, मंडे टू फ्राइडे इवनिंग तक बहुत काम करने का, पूरा अपना वीकेंड के लिए प्रिपेयर होने का, और जो फ्राइडे नाइट से पार्टी करने का ना वो फिर वो सैटरडे नाइट तक वही चलता है, फिर संडे को ये ग्रॉसरी लेने के लिए मॉल में गर्दी करते दोपहर तक, फिर दोपहर के बाद भी आपको कोई नहीं दिखेगा। मतलब लास्ट टू लास्ट सॉरी लास्ट मंथ में हम जब गए थे ना क्लीवलीज, ऐसे ही संडे के दिन ब्लैकपूल गए थे, याद है वो वीडियो, तो उसके बाद हम क्लीवलीज भी गए थे, तो वहाँ से जब मैंने देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, ब्लैकपूल भी देखो पूरा खाली था, और अगर हम अभी फ्राइडे जाए या सैटरडे जाए ना तो पूरा रश रहेगा वहाँ पे। तो अभी इतना तो पता चल गया है कि लोग फ्राइडे को सैटरडे को दिन भर बाहर रहते हैं, फ्राइडे को नाइट में बाहर रहते हैं और संडे को पूरा दोपहर के बाद खाली रहता है। तो संडे के दिन अगर बाहर जाओगे तो पूरे रास्ते सब मतलब होटल्स वगैरह भी सब आपको खाली मिलेंगे। तो देखो कितना दूर है और हम चल के आते हैं, पौना घंटा लगता है हमें यहाँ पे आने के लिए रास्ता पे। अभी तक तो कितना, अभी और आधा रास्ता हुआ है, मतलब हम बहुत, और ये घूम के जा रही है ना, देखो घूम के भी जा रही है, ये हर स्पॉट ले रही है, मतलब हर स्टे उसका स्टॉप ले रही है ना इसीलिए। लेकिन ये जो टिकट है ना, जैसे कि अपने इंडियन इसमें देखा जाए तो हम दोनों का 400 रुपये लगा एक टाइम का, जाने का और आने का 400, मतलब 800 रुपये ऐसे ही गए, ऐसे ही नहीं गए, मतलब हम चले नहीं ना आराम से, जाने के वो 800 रुपीज़ लगने वाले हैं। तो जहाँ पे इंडियन हाउस वाइफ जो रहती है ना वो हर बात में कटौती करती रहती है, और अल्दी अल्दी, हाँ देखो ये रहा सामने अल्दी वाला, जहाँ जो हम उस दिन आए थे ना संडे के दिन, ये वो अल्दी है। तो इधर से स्ट्रेट जाओगे तो फिर वो वहीं पे हमारा घर है, लेकिन देखो गाड़ी कितना घूम के आया है। अल्दी में कैसे है ना, मुझे ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिखे एज़ कम्पेयर टू असला, तो मुझे असला ज़्यादा बेटर लग रहा है। और आज मुझे ना कुछ मेरे लिए ट्रैक पैंट परचेस करना है, इसी वजह से भी मुझे आज असला आना था, क्योंकि जो मैंने लास्ट मंथ में मेरी ट्रैक पैंट ली थी ना वो मुझे पूरी लूज हो चुकी है चल चल के, तो अभी मुझे नई पैंट चाहिए जो मैं वॉक पे पहन सकूँ। यार यहाँ पे ना चेरी के बहुत पेड़ हैं, बहुत पेड़ हैं, और भर भर के चेरी आई है, उनको तोड़ने नहीं देंगे, लेकिन खरीद के खाने का मॉल से। यहाँ पे एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि जैसे कि फेंसिंग की हुई है ना जो कंपाउंड है, तो उसकी जो वॉल से देखो कितने शॉर्ट है, और इतने फ्लावर्स के पौधे वो लगाते हैं। हमारे यहाँ पे अगर यही चीज़ हो ना तो सुबह उठ के पूरे फ्लावर्स गायब रहेंगे। तो इसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा मतलब यहाँ पे वॉक करने के लिए खुश होती हूँ ना, कि हर एक कोई किसी के भी मतलब घर के सामने जितने भी कोई पौधे हैं ना एक भी फूल नहीं तोड़ता है। ये आदत मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी, इसलिए गार्डन इतना मेंटेन रहता है। हालांकि मतलब कंपाउंड इतना मतलब इन्होंने इतने इसी वजह से यहाँ पे कंपाउंड भी ऐसे हम रख सकते हैं, हमारे यहाँ तो मतलब ऊपर ऊपर तक हमें कंपाउंड रखने पड़ेंगे कि कोई देखे ना हमने क्या लगाया है। या सुबह तक गायब, बचपन में मतलब फूल तोड़ा करती थी किसी और के भी घर के सामने का, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे पौधों के प्रति मेरा प्यार का जो भावना है ना वो मुझे समझने आने लगी, और उसके बाद मतलब मैं ये सब चीज़ें हरकतें करना छोड़ दिया। चलो अभी रख देती हूँ फोन, बहुत बकबक की है मैंने पूरे ट्रैवल में, अभी आपको जाके असला में मिलती हूँ। तो नियरेस्ट बस स्टॉप पे हम उतर चुके हैं और अब जा रहे हैं असदा, और यहाँ पे एक पाउंड बेकरी करके भी है, काफ़ी फेमस है, तो यहाँ से भी कुछ तो लेंगे। अभी नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा वॉक करती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने चीटिंग कर दी, तो खाने का मन नहीं कर रहा एक्चुअली ये सब मैदे वाली चीज़ें, लेकिन फिर भी हफ्ते में एक दो बार तो मैं खाई जाती हूँ, आदत से मजबूत है भाई, खाना भुक्कड़ एक नंबर, खाना छूटेगा नहीं, कभी भी नहीं छूटेगा, सब चटपटा। और आपको क्या बताऊँ मैं सबको, मुझे इंडियन खाने की इतनी ज़्यादा याद आ रही, मतलब घर पे तो मैं बना ही रही हूँ इंडियन खाना, लेकिन वो वाला है ना नान एकदम बटर वाला चिकन सब मुझे याद आ रहा है। मुझे लगता है मेरी जैसे इंडिया उतरूँगी ना सब खाना स्टार्ट कर दूँगी, और जितना यहाँ पे मैं चल रही हूँ ना उसके ऊपर पानी फेर दूँगी। चंदन देख रहे मुझे, हाँ यही करेगी तू। तो आ चुके हैं असदा, और देखिए जैसे नॉर्मल जब हम आते हैं ना इतनी रश नहीं रहती है, आज देखना बहुत ज़्यादा रश है,
लेकिन यहाँ पे एक है कि हम सेल्फ बिलिंग कर सकते हैं, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जो है। और देखिए आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ से हमें कार्ड लेना है ना तो एक सिस्टम है, वहाँ पे कितना डॉलर डालना है चंदन, सॉरी पाउंड, मैं डॉलर ही बोलती हूँ, तो एक पाउंड हमें डालना है और फिर उसके बाद ही हम कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब हम निकाल सकते हैं और जाके मॉल में उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर जो उसका रीज़न मैं बाद में बताती हूँ, तो पहले हम कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पे एक पाउंड डालना है, फिर वहाँ से लॉक निकलेगा और फिर कार्ड हमें मिलेगी। तो इससे यहाँ से मैंने पता किया था कि कौन से पत्ते देख के कि कौन से झाड़ कौन से रहेंगे। को ऐसा रहता है सारा जो उनका स्टॉक है ख़त्म ही होता है क्योंकि बहुत जन शॉपिंग करते हैं, तो हमें आज कुछ फ्रूट्स जो चाहिए थे वो नहीं मिले। लेट्स ये रहा मेरा वीक पॉइंट मेकअप, मतलब देखते ही देखना स्टार्ट कर देती हूँ लेकिन लूँगी कुछ नहीं। अब शॉपिंग हो चुकी है और हम कर रहे हैं बिलिंग, तो इस तरह से हमें सेल्फ बिलिंग भी करना है, जो भी है स्कैन करना है बार कोड, फिर उसके बाद पे करना है, कैश से करो या कार्ड से करो, जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आज बहुत कुछ लिया है हमने, बर्गर बनाने के लिए बर्गर बंस भी लिए हैं, जैसे कि दूध लिया है, और यहाँ पे एक चिकन चिली पेस्ट भी बहुत अच्छी लगती है वो भी हमने परचेस की है इस बार, ब्रेड लगता है वो भी ले लिया है, दही और अदरक लहसुन प्याज, और चिकन नहीं लिया यहाँ से क्योंकि हम अल्दी जाएंगे ना तो वहीं से चिकन ले गए, वहाँ पर ज़्यादा चीप चिकन मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट मतलब 2 pound का डिफरेंस है, जैसे कि इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 200-250 रुपीज़ का और डिफरेंस आता है, इसकी वजह से हम चिकन जो है वो अल्दी से परचेस करते हैं। और वैसे भी हम वॉक पे जाते हैं उस साइड पे, इजीली मतलब आते जाते कभी भी बाय कर सकते हैं, तो फिर वही ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है हमें, तो इसीलिए जब भी खाना रहेगा उसके उसी दिन चंदन जाके लेके आते हैं, पहले नहीं ला के रखते हैं उस स्टॉक के टाइम। टू जिंजर एंड टू चिली या बाजू है। हाँ बहुत ज़्यादा सामान हो गया लगता है। ₹55 यानी अराउंड ₹60 इतनी सी धनिया, गार्लिक ₹75 गार्लिक झाले पेमेंट डन अमाउंट पेड। अब ये पूरा पैक कर लेते हैं। ठीक, तो ऐसे हमारी कार्ड लगानी है जगह पे और इस तरह से इसे फिर से लॉक करना है, तो लॉक होते ही ये एक पाउंड हमारा अपने हाथ में। गाड़ी कोई क्यों लेके जाएगा क्योंकि कैसा है ना यहाँ वहाँ कोई छोड़ेगा नहीं, हाँ। अपनी कार्ड बराबर जगह पे ला के रखेंगे, इसकी वजह से ये सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो चलिए सामान लेके हो चुका है, अब चले हम हमारे घर। अब सामान तो बहुत ज़्यादा है, वॉक करना इम्पॉसिबल, चुपचाप जाएंगे और बस पकड़ेंगे। अब रख देती हूँ फ़ोन क्योंकि चंदन की हेल्प करती हूँ सामान पकड़ने में बस स्टॉप तक। तो हो गया है हमारा शॉपिंग भी करके और जस्ट टिकट भी निकाले हैं, जो जैसे ही बस के अंदर एंट्री होती है वैसे ही टिकट निकालना पड़ता है, तो 2 tickets निकाल लिए। पहले लास्ट मंथ में चंदन का पास था, स्टूडेंट पास था, तो कुछ कम पैसों में मतलब वो पास निकलते हैं, लेकिन इस महीने में चंदन ने कोई पास नहीं निकाला है क्योंकि ज़्यादा कहीं पहाड़ पर जाने का मौका ही नहीं मिला,
तो कभी कभार किधर जाना पड़ता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम वॉक करके जाते हैं और आते वक्त बस से आते हैं। मैं जगह डिनर भी प्रिपेयर करना है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि ऐसे जगह पे जाते हूँ ना तो अननेसेसरी मैं बहुत यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ। तो चलिए घर पर जाके मिलते हैं। तो आ चुकी हूँ घर पर और अभी थोड़ा टाइम बैठूँगी, थोड़ा कॉफ़ी पीऊँगी और उसके बाद बनाएंगे खाना। खाने में आज कुछ नहीं, सिर्फ फुलका बनाना है, और दोपहर में सब्जी बनाई थी वो है, अगर वो कम पड़ी तो कुछ और बना देंगे। तो देखती हूँ क्या बनाना है, अभी सोचना पड़ेगा और फिर उसके बाद बनाना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो अब बच चुके हैं 10 और खाना खाने के बाद हम दोनों आए हैं वॉक पे, तो ज़्यादा नहीं लेकिन 1.5 किलोमीटर वॉक करके फिर जाएंगे घर। तो इसी रास्ते पे मैं मॉर्निंग में भी वॉक पे आती हूँ, लेकिन शाम के वक्त, शाम क्या मैं शाम बोल रही हूँ, तो रात के वक्त देखो क्या मस्त मौसम है, जास्त छान अट्टे यार टाइम वाला, मस्त हवा भी आ रही है, दोपहर में कितना गर्म, बाप रे। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।